वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल कणाद केमिस्ट्री। माई सेल्फ अभिषेक कुमार पांडे फ्रॉम केमिस्ट्री क्लासेस विक्रमगंज। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करने का प्रयास करेंगे हम लोग, और हम लोगों का यह प्रयास बोर के परमाणु प्रारूप पर आधारित होगा। निल्स बोर का जो परमाणु प्रारूप दिया गया था उसके मान्यताओं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करने जा रहे हैं। तो बोर के प्रथम कक्षा में या हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करने के लिए हम लोगों को एक एजम्पशन है शुरुआत में ही, जिसे निल्स बोर ने शुरू में ही, निल्स बोर की मान्यताओं से हम लोगों को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो आकर्षण बल है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, उन दोनों का मान परिमाण जो है मैग्नीट्यूड उनका बराबर होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स को बराबर करते हैं और यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम जानते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा जाता है, जबकि बोर के परमाणु प्रारूप में हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन वो होता है आपका जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कूलम्स लॉ से आया है, कूलम के नियम से आया है, और ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब इस कूलम के नियम का यूटिलाइजेशन जो है हम लोग सीजीएस पद्धति में करते हैं। सीजीएस पद्धति में यहाँ जो कॉन्स्टेंट आता है उसका मान हो जाता है एक, और हम लोग आकर्षण बल के लिए जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अगर बात इसके आगे की जाए तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर बाई आर, और यहां से वी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर बाई एम आर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर बाई एम आर। ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, यहां पर आर रेडियस है, और रेडियस के लिए हम इक्वेशन जानते हैं एटम के हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की, जब त्रिज्या निकालते हैं ये रेडियस आर निकालते हैं, तो आर का मान हम लोगों को प्राप्त होता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये होता है आर का मान। तो इस आर के मान को यहाँ हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि तब आगे फिर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। तो वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बाई एम आर, यहाँ आर का मान अगर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एम, और आर के जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। यह इसको अरेंज किया जाए यदि, तो अरेंज करने पर हम लोगों का जो डिजायर इक्वेशन है वो हम लोगों को मिल जाएगा, या उसके तरफ एक कदम हम लोग और बढ़ेंगे। इसको अरेंज करते हैं तो यहां से और वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बोलते हैं, वी स्क्वायर बराबर फोर पाई स्क्वायर, ये एम कैंसिल है, जेड स्क्वायर हो गया ई टू द पावर फोर और बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर हम लोग सिर्फ भी का मान निकालना चाहें, इस v के मान को निकालने का प्रयास करें, तो ये हो जाएगा v बराबर
टू पाई जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की गणना कर सकते हैं, और किसी ऐसे सिस्टम में यह कैलकुलेशन हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो केवल एक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस आयन, लिथियम टू प्लस आयन, इस तरह के सिस्टम में जहां की केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उसमें हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के वेग को, वेलोसिटी को, वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में पाई का जेड यानी एटॉमिक नंबर, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट और एच प्लैंक्स कांस्टेंट का मान अगर रख दें, पाई का मान रखते हैं, जेड हाइड्रोजन के लिए अगर एक ले लेते हैं, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 4.8 इंटू 10^-10 ई एस यू, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लें तो इसका मान एक रख सकते हैं हम लोग, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 10^-27 आर्ग सेकेंड वाला यहाँ पर वैल्यू लेना होगा एच का, और इन सभी टर्म्स का अगर मान हम लोग रखते हैं इस इक्वेशन में तो हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग मिलता है वी, वो होता है 2.188 इंटू 10^188 इंटू 10^8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर ये 2.188 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का 10^6 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में। यदि जेड का मान हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयन के लिए एक से अधिक हो और एन का मान फर्स्ट ऑर्बिट नहीं हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को निकालने का ये जो फॉर्मूला है वो चेंज कर जाएगा और होगा 2.188 इंटू 10^8 इंटू जेड बाई एन, जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूला का यूज करना होगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेग अगर निकालना हो, वेलोसिटी भी निकालना हो, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सिर्फ उसी सिस्टम पर लागू होगा जिस सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल हो एक, जैसा कि हाइड्रोजन में होता है, जैसा कि हीलियम प्लस आयन में होता है, जैसा कि लिथियम प्लस आयन में होता है, और इस तरह। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग इसके संदर्भ में कुछ और बातों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।